जितना जी पी मार्जिन ज़्यादा होगा उतना ही नेट प्रॉफिट भी फिर बढ़ेगा। सही है जी, जी पी मार्जिन बढ़ना बेहतर होता है। क्वेश्चन नंबर 11, सिमरन्स प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर इंटरेस्ट वॉज 18,000। जो इन्होंने प्रॉफिट कमाया है वो बिफोर इंटरेस्ट 18,000, इंटरेस्ट कितना है 2,000, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। और वो कह रहे हैं कैपिटल कितना है उसका सिमरन का 80,000 और लोन कितना है 20,000। रिक्वायरमेंट है व्हाट वाज द प्रॉफिट एज अ परसेंटेज ऑफ ओनर्स इक्विटी। तो रिटर्न ऑन इक्विटी आपको निकालना है। क्या निकालना है? रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट फॉर द ईयर, प्रॉफिट फॉर द ईयर अपॉन इक्विटी। इक्विटी क्या होता है भाई? इक्विटी होता है ओनर्स कैपिटल या ओनर्स इक्विटी मल्टीप्लाई बाय 100। आप मुझे बताएं सिमरन ने जो प्रॉफिट कमाया वो कितना कमाया। अच्छा, अब एक चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है बहुत, और वो ये है कि अगर सवाल में वो आपसे पूछता है रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन इक्विटी में मुझे बताएं कैपिटल किसका है? कैपिटल सिर्फ हमारा है, ओनर्स का है। तो प्रॉफिट भी सिर्फ वो होना चाहिए जो सिर्फ ओनर से बिलोंग करता है, और बाहर वालों का जो शेयर है उसमें नहीं होना चाहिए। बाहर वालों का शेयर का क्या मतलब? ये जो प्रॉफिट आएगा ना मेरे भाई, ये आएगा आफ्टर इंटरेस्ट। क्या आएगा? आफ्टर इंटरेस्ट। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर में कैपिटल सिर्फ ओनर का है, तो प्रॉफिट भी वो आना चाहिए जो सिर्फ ओनर से बिलोंग करता है। जो बाहर वालों का इंटरेस्ट है वो उनको दे दिला के फारिग कर दो, और सिर्फ अपना प्रॉफिट होना चाहिए, प्योर हलाल प्रॉफिट जिसको आप कह लें। प्रॉफिट कितना कमाया भाई बताएं? बिफोर इंटरेस्ट 18,000, और 18 में से लोन जिससे लिया था उसको कितना इंटरेस्ट दिया होगा 2,000, तो वो तो माइनस कर दे, तो 16,000 वो प्योर प्रॉफिट है जो किसके लिए बचा है? ओनर्स के लिए। बताओ ओनर ने कितना पैसा लगाया सिमरन ने? 80,000। तो क्या करते हैं 16/80, तो ये 20% आ जाएगा मेरे ख्याल से, 16/80 ये आ गया 20%। इसका मतलब जितनी इन्वेस्टमेंट सिमरन ने की हुई है कितनी 80,000, सिमरन को उस पर 16,000 का रिटर्न मिला है जो कि बनता है 20%। अब अगर इसी सवाल में मैं आपसे कहूं कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड निकालो, क्या निकालो? रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का क्या मतलब? कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब अपना पैसा भी और गैरों का पैसा भी, लोन भी। तो फिर जो फार्मूला हो जाएगा वो फार्मूला हो जाएगा प्रॉफिट फॉर द ईयर, लेकिन ये जो प्रॉफिट अब आएगा ये आएगा बिफोर इंटरेस्ट। क्या आएगा भाई? बिफोर इंटरेस्ट। वहाँ आफ्टर इंटरेस्ट था या बिफोर इंटरेस्ट, डिनोमिनेटर में आ जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड में अपना पैसा भी होता है ओनर का कैपिटल, और बाहर वालों का कैपिटल भी होता है लोन। सही है जी। मुझे बताएं सवाल में क्या प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट हमारे पास गिवन है? बिल्कुल गिवन है, 18,000। कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या आ जाएगा भाई? अपना पैसा, सिमरन ने कितना पैसा इन्वेस्ट किया 80,000, और बाहर से लोन कितना लिया सिमरन ने 20,000। इसका मतलब 18,000 कमाया है टोटल। यार देखो, डिनोमिनेटर में सिर्फ हमारा पैसा नहीं है, बाहर वालों का पैसा भी है, तो प्रॉफिट भी टोटल आना चाहिए इंटरेस्ट माइनस करने से पहले। तो 18,000 कमाया 1,00,000 पे, तो ये बनेगा 18%। अरे बस रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आ रहा है, मतलब जो टोटल इन्वेस्टमेंट है उस पर 18% कमाया, और जिस ओनर की इन्वेस्टमेंट है उस पर कितना कमाया 20। भाई देखो, ऑब्वियस सी बात है, ओनर जो है उसको रिटर्न ज़्यादा मिलता है बाहर वालों से। सही है ना, क्योंकि लोन वगैरह पे इंटरेस्ट कम होता है, क्योंकि सेफ इन्वेस्टमेंट होती है, और ओनर रिस्क ज़्यादा लेता है, इसलिए ओनर का जो रिटर्न होता है वो ज़्यादा होता है ओवरऑल रिटर्न। ओवरऑल रिटर्न 18 आ रहा है, सही है जी, और ओनर का रिटर्न आ रहा है 20%। तो आई होप आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई। अगर आप यहाँ पे एक और भी चीज़ देख सकते हैं, लोन हमने लिया है 20,000 और उस पर इंटरेस्ट कितना दे रहे हैं 2,000। अगर आप सिर्फ इस पे देखें रिटर्न लोन वालों का, तो लोन वालों का रिटर्न है सिर्फ 10%। देखिए ज़रा, 2,000 डिवाइड बाई 20,000 अगर करें तो ये बनेगा 10%। क्या मतलब? ओनर का अपना रिटर्न है 20 और बाहर वालों का रिटर्न है 10, लेकिन अगर एवरेज रिटर्न निकालें रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय टोटल इन्वेस्टमेंट पे, तो आ रहा है एवरेज 18%, एवरेज गिर गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था, ये आप